PSL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे MTT न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी PSL की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। नमस्कार, मेरे देश के सभी PSL पीड़ित साथियों को मैं एडवोकेट अमित गर्ग प्रदेश अध्यक्ष आमजन कल्याण समिति से, साथियों बार बार यह बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों से PSL के निवेशक एजेंट बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा। 2 फरवरी सोलह के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, लोढ़ा कमेटी के गठन के बाद, सेबी द्वारा ऑनलाइन मांगने के बाद भी समस्या जस की तस है। 2500 रुपये के पेमेंट से शुरुआत हुई, 5000, 10000, लेकिन वास्तविकता में न 2500 वाले निवेशकों को पैसा पूरा मिला, न 5000 वालों को, न 10000 वालों को। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी न्याय नहीं मिला। तो साथियों, अब सोचने का विषय है कि आगे हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। पूरे देश में PSL की जो संपत्ति है वह भी लोढ़ा कमेटी द्वारा अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। न जाने संगठनों के द्वारा कितनी बार धरने, आंदोलन, भूख हड़ताल किए गए, ट्रेनें रोकी गईं, जंतर मंतर पर हड़ताल की गई, सुप्रीम कोर्ट में भी बात उठाई गई, लेकिन बावजूद इसके ज़मीनी हकीकत यह है कि लोग संतुष्ट नहीं हुए। कारण कुछ भी रहा हो, साथियों मैं पुनः एक बार छोटा सा प्रयास के लिए एक रणनीति बना रहा हूँ, छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मुझे इसमें आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आप लोगों के साथ की आवश्यकता है। साथियों, 26 दिसंबर को मैं उत्तर प्रदेश के जो भी ज़िले हमसे जुड़ना चाहते हैं, PSL की आगे की कानूनी लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, मथुरा, बा, आसपास के जितने भी अन्य ज़िले हैं, दूर दराज से जो लोग आ सकते हैं, 26 दिसंबर को मैं सभी सीनियर साथियों को भी कहना चाहूँगा, आप सभी जितने भी हैं इस मैसेज को शेयर करें और अपने जूनियर साथियों को, सीनियर साथियों को, निवेशकों को अवश्य बताएं कि हम लोग एक कानूनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो ये हम सबका दायित्व बनता है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें सहयोग करें, सहभागिता करें, क्योंकि घर बैठने से, बिना मांगने से पैसा नहीं मिलेगा, यह बात बार बार कही जाती है। तो जो भी साथी उत्तर प्रदेश के हमारे आ सकते हैं, वे आगरा PSL के ऑफिस KPS टावर में सुबह 11 बजे शनिवार के दिन 26 दिसंबर को अवश्य आएं, अपने विचार रखें, रणनीति पर चर्चा करें, क्योंकि जो भी जमा पूंजी है गरीबों की, निवेशकों की, वह हमें मिलनी चाहिए। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, हमारा लक्ष्य हमारा हक लेना है। हमारी किसी से राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बस सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि हमें अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, मैं सभी से पुनः एक बार आग्रह करता हूँ,
कि 26 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में आप अपने PSEL के ऑफिस, जो कि आपका ऑफिस है, वहाँ आए, अपनी बात रखें, सही और गलत पर विचार करें। जो सीनियर साथी आज PSEL के एजेंट हैं, उनकी टीम है, उनसे दूर हो चुके हैं, उनसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग अवश्य आए 26 दिसंबर को और अपनी बात रखें कि आगे कैसे हम इस लड़ाई में अपना सहयोग कर सकते हैं कानूनी प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि हमने जो भी काम किए उससे आज तक न लोढ़ा कमेटी पर प्रभाव पड़ा, न सेबी पर दबाव बना, और सेबी अपनी मनमानी कर रही है जिससे कि निवेशकों का पैसा 10 सालों में भी मिलना असंभव लगता है। साथियों, मैं यही कहूँगा बार बार कि हमें एकजुट होकर पुनः एक बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि PSEL में अधिक संख्या उन लोगों की है जो रोजाना कमाते खाते हैं, गरीब हैं, उनका बहुत अधिक पैसा लगा हुआ है, उनकी मेहनत की जमा पूंजी लगी हुई है, किसी ने अपनी लड़की की शादी के लिए लगाया, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाया, और आज 8-8 साल बाद भी उनका पैसा नहीं मिला। 2013 में लोगों की मैच्योरिटी पूरी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन सीनियरों ने यह प्रयास नहीं किया कि 2013 से जिनकी मैच्योरिटियाँ पूरी हुई और 2015 तक ऑफिस खुलते रहे, उसके बावजूद उनका पैसा दिलवा नहीं पाए हमारे सीनियर। ऐसा नहीं कि कंपनी के पास संपत्ति की कमी थी, कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स की कमी थी, सब कुछ था, फिर क्या वजह रही कि ऑफिस खुलते रहे उसके बावजूद पैसा नहीं मिला। 2015-16 तक ऑफिस खुले हैं, 2014 में जबकि आदेश हो गया उसके बावजूद ऑफिस खुले, लोगों के रिन्यूअल जमा कराए गए, जब रिन्यूअल न जमा कराकर जो संपत्ति थी कंपनी के पास, पैसा था, उनसे लोगों का भुगतान होना चाहिए था, जिस प्रकार से 2011 में हुआ था। साथियों, कौन सच्चा कौन झूठा ये सब आप जानते हैं। आज जो लोग पल्स को लेकर आए, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, गारंटी दिया करते थे सीनियर्स, आज वह इस लड़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वह सच्चाई नहीं कह पा रहे हैं। अगर आज वह सीनियर आज भी अपने जमीर को जगाकर सच्चाई से साथ दें, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों का पैसा ना मिल पाए। PSEL की जमीनें सीनियरों के नाम पर अलॉट की गई, जिन लोगों का पैसा लगा था अलॉटमेंट के नाम पर, उनको अलॉटमेंट नहीं प्राप्त हो पाए। कंपनी ने अन्य कंपनियां खोली, वो भी बंद कर दी गई, जबकि बैन सिर्फ PSEL कंपनी पर लगा था, न कि विटालसी पर। विटालसी भी बंद कर दी गई। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं साथियों, तो मैं यही चाहूँगा कि एक बार पुनः जागरूक होते हुए आप लोग इस लड़ाई का हिस्सा बने। मुझसे जितना हो सकता है लगातार प्रयास कर रहा हूँ, छोटी सी रैंक का होते हुए भी आगे बढ़कर इस लड़ाई को लीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे नाराज़ भी हुए और आज भी हैं, क्योंकि मैं उनकी सी बात नहीं कह पाता हूँ। साथियों, मेरा एक ही मकसद है कि हमारा पैसा मिलना चाहिए, और इसलिए मिलना चाहिए कि जितनी देनदारी है उससे बहुत अधिक संपत्ति सेवी के पास है। यदि नहीं है तो ना तो इस बात को सीनियर कहते हैं कि नहीं पैसा नहीं था, कंपनी पास संपत्ति नहीं थी, ना लोढ़ा कमेटी कहती है कि नहीं इतनी संपत्ति नहीं है जिससे कि सबका भुगतान हो सके। बात ही नहीं स्पष्ट हो पा रही है, ना सेबी की, ना लोढ़ा कमेटी की, ना सीनियरों की। इसलिए साथियों, हिम्मत नहीं हारनी है, हम लोगों को अपना पैसा लेने के लिए
एक बार प्रयास जरूर करना है। अगर हम बैठ जाएंगे घरों में, नहीं लड़ेंगे, तो हमारा पैसा नहीं मिल पाएगा। 5 वर्षों में बहुत सारे अनुभव मिले, कुछ गलतियां भी रहीं। उन गलतियों को न दोहराते हुए अब सिर्फ कानूनी लड़ाई की, कानूनी प्रक्रिया द्वारा हमें इस लड़ाई को जीतना है। जो भी साथी हमारा साथ देना चाहते हैं, मैं उनको खुले दिल से निमंत्रण देता हूँ। चाहे वह मेरे सीनियर हों, जूनियर हों, अन्य टीमों से हों, कहीं से भी हों, आप आइए, अपनी बात रखिएगा। बस मैं ये कहूँगा, और जो भी साथी हैं हमारे, इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।